देश बचाउन पानीको घुटको नखाई लड्ने पुर्खाका सन्तान अचेल विदेशी दूतावासमा जाँड खाएर लड्छन्, अनि कसरी बच्छ देशको स्वाधीनता, कसरी चुनिन्छ माटोको स्वाभिमान, कसरी जोगिन्छ पुर्खाले आरजेको साँध सिमाना। वेलकम ब्याक। आज की वीडियो काफी इम्पोर्टेंट होने वाली है। जैसे आपको पता है कि राबी लमचानी इस टाइम पे एक पॉलिटिशियन हो गए हैं और पॉलिटिशियन के साथ वो न्यूज एंकरी भी करते थे। आज हम एक ऐसे वीडियो के ऊपर रिएक्शन देने वाले हैं, वो ग्रेटर नेपाल की हिमायत करें, यानी वो ग्रेटर नेपाल के हक में, ग्रेटर नेपाल के बारे में बात करें राबी लमचानी, और ग्रेटर नेपाल का फ्लैग जो है वो लहरा के दिखाया दे रहा है। आज हमारे पास इसी तरीके से एक वीडियो है राबी लमचानी के बारे में। हम ग्रेटर नेपाल की इस वीडियो को देखते हो, राबी लमचानी इसके बारे में क्या बात करें, क्योंकि राबी लमचानी इस टाइम पे नेपाल में बहुत पॉपुलर बंदों में से एक है। तो चलिए आज की वीडियो को करते हैं शुरू और आपको बताते हैं राबी लमचानी के बारे में कि वो किस तरीके से ग्रेटर नेपाल का मैप जो है वो लोगों को दिखाई दे रहे हैं। काठमाडौँ का मेयर बालेन शाहले ग्रेटर नेपालको नक्सा आफ्नो कार्यकक्षमा राखेपछि स्वतन्त्र मेयर हर्क साम्पाङले पनि आफ्नो कार्यकक्षमा ग्रेटर नेपालको नक्सा राख्ने बताएका छन्। तर यही बीचमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले यस विषयमा के भने भन्ने एउटा चासोको विषय बनेको छ। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू नमस्कार, तपाईँहरूले भण्डारी होलको एउटा नयाँ भिडियोमा हार्दिक स्वागत छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले बालेन शाहले भन्दा पनि धेरै पहिला न्यूज 24 टेलिभिजनमा प्रसारण हुने कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँगमा ग्रेटर नेपालको नक्सा देखाएर इन्डियालाई चेतावनी दिएका थिए। सबैभन्दा पहिला त यो भिडियो क्लिप हेर्नुहोस्। बचाउन पानीको घुटको नखाई लड्ने पुर्खाका सन्तान अचेल विदेशी दूतावासमा जाँड खाएर लड्छन्, अनि कसरी बच्छ देशको स्वाधीनता, कसरी चुनिन्छ माटोको स्वाभिमान, कसरी जोगिन्छ पुर्खाले आरजेको साँध सिमाना। यो भिडियो करिब 2-3 वर्ष पुरानो हो, तर जति वर्ष पुरानो भए पनि रवि लामिछानेले ग्रेटर नेपालको नक्सा देखाएर भ्रष्टाचारी नेता र इन्डियालाई चेतावनी दिएकै हुन्। तर अहिलेको अवस्थामा भने रवि लामिछाने ग्रेटर नेपालको विषयमा केही बोलेका छैनन्। अब तपाईँहरूले के लाग्छ, रवि लामिछाने यस विषयमा बोल्लान् कि नबोल्लान्? धारणा तलको कमेन्ट बक्समा लेख्नु होला। बालेन, रवि र हर्कले यो देशमा केही परिवर्तन गर्छन् भन्नेले हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर भिडियोलाई लाइक गरी कमेन्टमा आइएम विथ रवि लामिछाने हर्क साम्पाङ एन्ड बालेन शाह लेख्नु होला। धन्यवाद। तो भी ये खबर आप लोगों ने देख ली, ये खबर आज की नहीं है, ये खबर है 2020 की, जहां तक मुझे लग रहा है 2019 या 2020 की। क्योंकि अगर आपको एक चीज याद होगी, 2020 के अंदर नेपाल ने एक नया पॉलिटिकल मैप निकाला था। पॉलिटिकल मैप नेपाल ने भी निकाला था, साथ में पाकिस्तान ने भी निकाला था, क्योंकि इंडिया ने एक पॉलिटिकल मैप निकाला था जिसमें उन्होंने नेपाल की काफी सारी जगहों को अपने मैप में दिखाया, साथ में फिर उन्होंने पाकिस्तान की काफी सारी जगहों को अपने मैप में दिखाया। तो फिर उसके बदले में पाकिस्तान ने एक पॉलिटिकल मैप लॉन्च किया, और पॉलिटिकल मैप लॉन्च करने के बाद जो है वो नेपाल ने भी पॉलिटिकल मैप लॉन्च किया, क्योंकि उसके उस टाइम पे लोग ये भी बात करते थे कि ये चाइना के कहने पे पाकिस्तान और नेपाल ने पॉलिटिकल मैप लॉन्च किया है। 3 साल पहले भी मेरी वीडियोस पड़ी है चैनल पे, तो अगर आपको चेक करनी है तो आप देख सकते हैं। अब दूसरी बात यहाँ पे आती है ग्रेटर नेपाल के बारे में और राबी लामिछाने के बारे में। तो देखिए, राबी लामिछाने और ग्रेटर नेपाल की मैं बात करूं तो ये मैप जहां तक मुझे लग रहा है 2019 की नवंबर का है, क्योंकि उस टाइम पे इंडिया और नेपाल की काफी सख्त लड़ाई हुई थी, क्योंकि उन दिनों में इंडिया ने बॉर्डर बंद कर दिया था और नेपाल के लिए काफी मुश्किल का सामना करना पड़ा था। मुझे जहां तक याद आ रहा है कि 2019 में जब इलेक्शन था इंडिया के अंदर, तो उन्होंने तब इलेक्शन के टाइम पे ये बॉर्डर बंद किया था, और जिसके बाद नेपाल के अंदर काफी सारी चीजों के ऊपर हड़ताल भी हुई थी, काफी सारी चीजों के ऊपर लड़ाई भी हुई थी, क्योंकि इंडिया ने बॉर्डर बंद कर दिया था काफी टाइम के लिए। और दशहरे वाले दिन की बात करें तो दशहरे वाले दिन ही उन्होंने बॉर्डर बंद किया है। अब अगर हम राबी लामिछाने के बारे में बात करें, तो ये मैप जो है उन्होंने जब न्यूज एंकरी करते थे, तकरीबन 2-3 साल पहले की बात है, मुझे नहीं पता कि अभी करते या नहीं करते, तो तब ये करते थे, और तभी उन्होंने न्यूज मतलब लाइव न्यूज के अंदर इस ग्रेटर नेपाल के मैप को निकाला और दिखाया लोगों को भाई किस तरीके से हम आगे आने वाले वक्त में ग्रेटर नेपाल को लेके हासिल करेंगे और लेके रहेंगे। तो ये तब का मैप है। बहुत सारे लोग मुझे अभी भी ये वीडियो सेंड कर रहे थे और मुझे बता रहे थे कि भाई आप इसके ऊपर रिएक्शन दो। तो भाई ये वीडियो थोड़ी सी पुरानी थी, बट ये ग्रेटर नेपाल के बारे में थी और हक में थी। तो वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक लाजमी करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।